अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार दिखी नहीं रही तू करो दे दे आप रखना मैम निकालना हाँ निकाल लू पहले पूरा जाने दो मुन्नी भैया कल देखना आया कहीं टोपला टोपला रख देना कचरा बताए बैठे इधर आ जाओ दीदी इधर आ मीठा तालाब पे किस प्रकार की व्यवस्था की गई और कितने क्या कुंड बनाए गए? नगर निगम में ये व्यवस्था की गई है, यहाँ पे एक कुंड सर्किट हाउस रोड पे, एक इसमें लेडी पे छोटे बाहर दरवाजे पे, और यहाँ पे दो टक हमने लगाए हुए हैं जो कलश विसर्जन कालू खेड़ी तालाब पे ही होता है। इसमें हमारे कुल 10 कर्मचारी हैं और जो राउंड क्लॉक में ड्यूटी लगेगी, एक ये काम मतलब रात भर चलते रहेगा। और शुरू कब से हुआ था और कब तक चलने की संभावना? 7 बजे से हुआ था और ये रात भर चलेगा मतलब पूरे 24 घंटे। इसके अलावा और कहीं व्यवस्था की है आज नगर निगम ने? ये सभी पूरे शहर में की है, जगह जगह चौराहे पे कुंड की व्यवस्था की है नागरिकों की सुविधा को देखते हुए। वहाँ से गाड़ियाँ कालू खड़ी ले जा रही हैं मूर्तियों? सभी जगह से कालू खड़ी जा रही है। आपका परिचय? मिशन पवार, स्वामी लक्ष्मी नगर निगम के पास। जो कालू खड़े में व्यवस्था की गई, किस तरह की व्यवस्था की गई गणेश विसर्जन को लेकर और क्या व्यवस्था यहाँ पे है? नगर निगम देवास के द्वारा हमारे आयुक्त महोदय, हमारे माननीय महापौर महोदय जी, सभापति जी के आदेश अनुसार यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ पर क्रेन की व्यवस्था है। बड़ी मूर्तियाँ जो शहर से आने वाली उनको यहाँ पर विसर्जित करने के लिए नगर पालिक निगम देवास के कर्मचारी लगे हुए हैं और कर्मचारियों के माध्यम से विसर्जन का कार्य करवाया जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर जनप्रतिनिधि, पार्षद प्रतिनिधि भी यहाँ पर दायमा जी मौजूद है और यहाँ मतलब पूर्ण भक्ति भाव के साथ में सबकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर निगम के कर्मचारियों के द्वारा मूर्तियों का विसर्जन करवाया जा रहा है। ठीक है, आपका नाम सर? मैं दिनेश शर्मा, प्रभारी सहायक मंत्री नगर पालिका देवास। मैं बताना जिस तरह से अब यहाँ पे गणेश जी का विसर्जन हो रहा है और किस तरह की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है और क्या इंतजाम किए गए यहाँ पे? वैसे आप देखा जाए तो सालों से गणेश विसर्जन यही कालू खेड़ी में हुए हैं। पिछले पहले 2 या 3 साल पहले
पूरी व्यवस्था थी मीठा तालाब पे गणेश विसर्जन करने की। बाकी पानी गंदा हो जाने के कारण और दूसरी भी कुछ समस्या बाजार का तालाब है उस कारण अपन ने उनको व्यवस्था पूरे शासन प्रशासन ने मिलकर कालू घड़ी पे करी है उसको। तो पिछले चार या पाँच साल से कालू घड़ी पे विसर्जन हो रहा है और ये आपने देखा होगा पूरी नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है, नगर निगम की तरफ से दो या तीन क्रेनें लगी हुई है, हमारे चौहान साहब भी है यहाँ पे और कर्मचारी भी है, दरोगा भी है और हमारे कालूखेड़ी के भैया है सरदार सिंह जी, कालूखेड़ी की टीम भी लगी हुई है, सभी हमारे वार्ड के लोग भी यहाँ सब गणेश विसर्जन में सहयोग दे रहे हैं और सभी कोई किसी भी व्यक्ति को खुद के हाथ से गणेश विसर्जन नहीं करने दे रहे हैं ताकि कोई जनहानि ना हो। हमको हमारे नगर निगम की टीम हमारे लोगों ने गणेश जी ले रहे हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करवा रहे हैं और विसर्जन कर रहे हैं। आपका नाम? संजय दायमा, पार्षद प्रतिनिधि संजय दायमा, वार्ड नंबर 5। We'll be right back.